नामांकन से पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने वायनाड की सड़कों पर भव्य रोड शो किया। इसके साथ ही एक जनसभा भी की। इस मौके पर पार्टी संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के साथ बेटे रेहान भी मौजूद रहे। वहीं रथ के चारों तरफ जबरदस्त लोगों का सैलाब उमड़ रखा है। इसी बीच रथ पर सवार राहुल गांधी ने कुछ ऐसा किया कि सबका ध्यान उनकी तरफ चला गया। अचानक राहुल गांधी अपने जेब से फोन निकालकर कुछ ऐसा करने लगते हैं कि सबकी आंखें उन पर टिक जाती हैं। तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है कि राहुल गांधी सामने उमड़ी भीड़ की फोटो ले रहे हैं। इस मौके पर प्रियंका गांधी ने कहा कि उनके पास राजनीति में 35 साल का अनुभव है, क्योंकि वे 1989 में अपने पिता राजीव गांधी के साथ 17 साल की उम्र में पहली बार चुनाव प्रचार अभियान में शामिल हुई थी। वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने से पहले कलपेट्टा के एक विशाल सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये 1989 में अपने पिता राजीव गांधी के साथ चुनाव प्रचार में शामिल हुई थी। उसके बाद 35 वर्षों में उन्होंने अपनी माँ सोनिया गांधी, अपने भाई राहुल गांधी और पार्टी के अन्य सहयोगियों के लिए भी प्रचार किया है।